हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं शशिभूषण सर आप लोगों के बीच फिर आया हूँ आज लेकर के बर्नौली थ्योरम, जो 11th क्लास का है, सेकंड टर्म्स इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, एक आपका ट्यूब है, ये दो एंड है आपके एक्स और वाई एंड, और यहाँ पे लिक्विड जो फ्लो कर रही है, यहाँ पे नॉन विस्कस लिक्विड हम बोल सकते हैं, और यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी लगेगा। तो फ्लो हमारे दो होते हैं, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होती है, एक टर्बुलेंट फ्लो होती है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होती है, जो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम या क्रिटिकल वेलोसिटी तक अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी जब होगी तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो यानी कि जिगजैग फ्लो आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि हमने एक ट्यूब लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे A1 है, यहाँ पे कितना है A2 दे रखा है मैंने, और यहाँ पे जो लिक्विड का फ्लो है जो स्पीड है वो कितनी है V1, और यहाँ पे जो लिक्विड का फ्लो है जो उसकी स्पीड है यहाँ पे V2 है। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे क्या है प्रेशर P2 है। ये हाइट आपका H1 है स्टूडेंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा H2 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट थोड़ी सी कम ले रखी है। अब कहेंगे कि सर सीधा भी रख सकते हैं, सीधा क्यों नहीं रखा आपने, तिरछा रखा है। तिरछा इसलिए रखा है क्योंकि मुझे एक जनरल फार्मूला प्रूव करना है सबके लिए, क्योंकि हम सीधा रखते हैं तो एक दिमाग में बनी रहती है कि ये तो सबके लिए सीधे के लिए है, लेकिन हमने टेढ़ा के लिए बना लिया है, तो एक जनरल फार्मूला पूरे इसके लिए आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं सबसे पहले कि कैसे क्या करेंगे इसमें। अब देखा जाए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम दो निकालना होगा हमको यहाँ पर, और यही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा ये क्या हो जाएगा, वर्क डन W के बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ MV², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, MgH। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पर, यानी और पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, पोजिशन पर, यानी हाइट पर कह सकते हो, पोजिशन पर डिपेंड कर, यानी कि पोजिशन अगर इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होना, वैसे यहाँ पर भी स्पीड पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले कि लिक्विड फ्लो डिस्टेंस पर सेकंड, एक फार्मूला आप लोग सभी लोग जानते होंगे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, यानी कि टाइम को अगर एक सेकंड मान लिया जाए तो यानी कि जो डिस्टेंस वो कितने बराबर हो जाएगा, स्पीड के बराबर हो जाएगा, ये तो होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिक्विड या फ्लूड इन वन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टूडेंट, एट एंड एक्स, सो इक्वल टू V1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का फ्लो यानी लिक्विड का कितना है, V1 है। अगर इतना आ गया है तो फोर्स ऑन लिक्विड, तो ये कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन फ्लूड लिख सकते हैं एट एंड एक्स। तो फोर्स का फार्मूला स्टूडेंट होता है F=P×A, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर कितना है P1, एरिया कितना है A1, तो फोर्स कितना होगा F1। तो वर्कडन भी हम निकाल सकते हैं, तो वर्कडन क्या होता है स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं वर्कडन ऑन फ्लूड एट एंड एक्स कितना होगा वर्कडन, तो W1 इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में कितना हुआ है V1, और फोर्स कितना लगा है F1, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो W1 = F1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, P1, A1 और V1 हो गया, W1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली कह सकते हैं वर्क डन एट एंड Y, तो Y पे कितना होगा स्टूडेंट, सिमिलरली W2 = क्या हो जाएगा, P2, A2 और V2 हो जाएगा, ये दो हो गए।
तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा बाय द लिक्विड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क डन एट एंड वाई बाय द फ्लूड लिखेंगे, बाय फ्लूड, क्योंकि यहाँ पे फ्लूड वापस निकल रहा है बाहर, तो यहाँ फ्लूड वर्क करेगा, यहाँ पे हम फ्लूड पे वर्क करेंगे, ऑन द फ्लूड यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय द फ्लूड लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सो नेट वर्क डन हम लिख सकते हैं नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू स्टूडेंट डब्ल्यू वन इज वॉट वी वन ए वन वी एंड वी वन माइनस टाइम पी टू ए टू एंड वी टू। सो स्टूडेंट मास कंजर्वेशन, हेयर इज योर मास कंजर्वेशन बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ फ्लूड पार्टिकल्स फ्लो एंटरिंग एट एक्स पॉइंट एंड लिविंग एट वाई पॉइंट। सो स्टूडेंट सो अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, सो मास कंजर्वेशन m1 वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम ओके एट बोथ साइड m और मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या देखिए ये क्या गिवन है एरिया इंटू वी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है वन सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवलिंग है ये आपका फ्लूड का। तो हम इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट ए वन वी वन और रो यानी कि ए वन वी वन के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं क्या एम बाई रो। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन मास बाई रो माइनस पी टू मास बाई रो ओके स्टूडेंट। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू एंड मास बाई वॉल्यूम, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। अब क्या करेंगे स्टूडेंट यहां पर देखा जाए अब अब टोटल एनर्जी की हम बात करते हैं, हमारे पास दो एनर्जीज हैं यहां पर, एक है काइनेटिक एनर्जी एक है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी यहां पे देखा जाए यहां पे ज्यादा होगी कि यहां पे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि स्पीड यहां पे ज्यादा है और स्पीड यहां पे कम है। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड एट एंड एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट के इज इक्वल टू मान लो के वन इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर और यहां पर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड एट एंड वाई तो कितना लिख सकते हैं के टू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि वी टू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड कितना हो जाएगा स्टूडेंट डेल्टा के इज इक्वल टू के टू माइनस के वन लिखेंगे यहाँ पर। सो डेल्टा के इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर हो जाना है। सो डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाइट ज़्यादा है यहाँ पे हाइट कम हो रही है तो क्या हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी डाउन कर रही है कम हो रही है। तो कितना कम हो रही है यानी कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी यहाँ पे कम होगी। तो लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच तो एच नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे एच वन माइनस एच टू क्योंकि मास और ग्रेविटी तो कॉन्स्टेंट होगा केवल हमारा पोजिशन चेंज हो रहा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस टोटल चेंज ऑफ एनर्जी। तो टोटल चेंज ऑफ एनर्जी में क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट टोटल चेंज ऑफ एनर्जी में कर लेंगे हम लोग डेल्टा के माइनस डेल्टा यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से। अब देखो क्या करेंगे कितना हुआ हमारा फार्मूले में हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस एम जी हो जाएगा आपका एच वन माइनस एच टू। अब देखिए जो ये आपका एनर्जी आई है टोटल एनर्जी इक्वेशन नंबर टू ये टोटल वर्क डन के बराबर होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए क्योंकि जितना आपका फ्लूड वर्क करेगा वही टोटल चेंज इन एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट इसके आगे यहां से देखें हम लोग यहां से देखा जाए हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू
चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी बाय फ्लूड लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारा टोटल वर्क डन कितना था, एम बाई रो पी वन माइनस पी टू, और ये कितनी आई है, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस एम जी एच वन माइनस एच टू। एनर्जी कम हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या है, हम हाफ इसमें से हम एम कॉमन ले सकते हैं, सो एम बाई रो, एम बाई रो पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू एम कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, हाफ वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर और माइनस एम जी, एम तो कॉमन हो गया, बचा कितना जी एच वन माइनस एच टू। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, रो को इधर भेज लेंगे, सो पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो, हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस यहाँ पे रो आएगा, हाफ रो वी वन स्क्वायर और ये रो यहाँ भी आएगा, तो माइनस रो रो जी एच वन और ये इधर यहाँ भी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस रो जी एच टू हो जाएगा। ठीक है ना, अब वन वाले टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, देखो वन वन वाला है इधर कर लीजिए, तो हो जाएगा पी वन और इसको उधर भेज दीजिए, प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन, आगे हो जाएगा स्टूडेंट पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब देखो दोनों तरफ सेम है, तो आप लिख सकते हो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ तक तो आपका ये बर्नौली थ्योरम हो गया, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा और है, कुछ इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं, वो इम्पोर्टेंस पॉइंट में हम थोड़ा लिखते हैं इधर। कैसे लिखेंगे, अगर इस इक्वेशन को रोजी से डिवाइड कर दें, यानी कि डिवाइड बाय रोजी बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा यहाँ पर, यानी कि पी अपॉन रोजी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बाय रोजी प्लस रो जी एच अपॉन रो जी आ जाएगा, और इक्वल टू क्या मिलेगा इधर, कांस्टेंट। सो इधर क्या हो गया स्टूडेंट, रो रो कैंसिल हो गया, रो जी कैंसिल हो गया, सो पी बाई रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई जी प्लस एच इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हो आप। अब जो ये आपका आया है निकल कर, इसको आप कह सकते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड इसको बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी हेड, ओके, और इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हुआ, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, है ना, एप्लीकेशंस हैं, जैसे एप्लीकेशंस में आपका एरोप्लेन्स का एप्लीकेशंस है और मोटर बोट का एप्लीकेशंस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो अगली वीडियो में वो एप्लीकेशन भी बताऊंगा। थैंक यू।